नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी और SSGD वालों के लिए हम अभ्यास पेपर सेट चला रहे हैं, जो 50 सेट वाले बुक है, ठीक है। तो दोस्तों उसमें एक क्वेश्चन जो है ज्यामितीय माध्य से है, और ज्यामितीय माध्य का वीडियो हम एक भी वीडियो नहीं बनाए हुए हैं और ना ही किसी बुक से पढ़ाए हुए हैं, लेकिन उस बुक में 15 नंबर सेट में एक क्वेश्चन है ज्यामितीय माध्य। तो हम सोचे हैं कि ज्यामितीय माध्य का आपको थ्योरी वाली वीडियो एक दे दे और 4-5 क्वेश्चन करा दे, ताकि उस वीडियो में आपको आसानी से समझ में आए, इसीलिए यह वीडियो हम बना रहे हैं। हाँ, एक और वीडियो बनाए हैं जो आपको पिछले एक दिन पहले मिला होगा, जिसका नाम होगा यूनियन इंटरसेक्शन, ठीक है। उस वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि उससे भी दो क्वेश्चन है राम सिंह यादव जी के सेट में, सेट नंबर 15 में, ठीक है। तो ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से मैथ को गर्दा उड़ाइएगा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत बुक में क्वेश्चन खोजे हैं, RS अग्रवाल में खोजे हैं, सागिर अहमद में खोजे हैं, आपको बोलते हैं KC सिन्हा में खोजे हैं, बहुत सारे बुक हैं हमारे पास में, लगभग कम से कम मैथ का 70 बुक होगा मेरे पास में, सब में खोजे हैं। और एक हमारा भगिना है, वो भी खोजा है, लेकिन कहीं नहीं मिला है। तो कोई बात नहीं है, अपना मन से 5 क्वेश्चन बता देते हैं और उसमें गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो। इसका नाम है ज्यामितीय माध्य, ज्यामितीय माध्य होगा, ठीक है, ज्यामितीय माध्य। क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है आपको, आर्मी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और टेक्निकल के लिए तो यहाँ बहुत अच्छा वीडियो बन रहा है, टेक्निकल में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप सेट उठा कर देख लीजिए, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि X1 पहले फॉर्मूला देख लीजिए, X2 X3 X4 का ज्यामितीय माध्य, ज्यामितीय माध्य क्या होगा, तो कैसे बनाइएगा, ध्यान दीजिए। इसका ज्यामितीय माध्य का चर्चा जब भी करते हैं तो भाई साहब रूट चढ़ा के तैयारी रहिएगा, एकदम रूट पहले बना के रहिएगा, ठीक है। आ इसमें क्या कीजिएगा, रूट के अंदर में बस इसी सब को गुना के टर्म में लिखिएगा, X1 गुना X2 गुना X3 गुना X4, आगे होगा तो डॉट डॉट गुना में, ठीक है। आ यहाँ करने में क्या दीजिएगा, तो जितना ही संख्या रहेगा उतना ही इसमें देना है, तो हम तो यहाँ डॉट डॉट तक मार दिए, मतलब n तक मार दिए हैं, तो बस इसमें n लिख दीजिएगा। जैसे कहने का मतलब है, यहाँ अगर X1 X2 गुना में X3 X4 रहेगा ना, तो 1 2 3 4 को है, तो यहाँ पावर में 4 दीजिएगा, करनी में 4 दीजिएगा, बस यही फार्मूला है। फार्मूला कहिए तब या ट्रिक कहिए तब, हम तो ट्रिक है इसको कहते हैं, बस यही फार्मूला है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, झट सीना बना दीजिएगा सेकेंडों में। चलिए आपको हम क्वेश्चन बना के बताते हैं, ठीक है। मेरी महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मुहब्बत होगी। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अपना मन से दे रहे हैं। 1 3 9 का ज्यामितीय माध्य क्या होगा, ज्यामितीय माध्य बताइए। तो अभी तो भैया फॉर्मूला मैंने बताए हैं कि रूट लगा दीजिएगा, अब बस इसी सब को गुना में यहाँ लिख दीजिएगा, तो तोड़ तार के लिख दीजिएगा पहले ही है। 1 और 3 को 3, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, लेकिन संख्या क्या है, 1 2 3 को संख्या है तो इसमें 3 लिखना है, अगर 4 को संख्या रहता तो इसमें 4 लिखना है, अगर 50 को संख्या रहता तो इसमें 50 लिखना है, 2 को संख्या रहता तो इसमें 2 को लिखना है, ठीक है। चलिए देखिए, तो 3 यहाँ है तो इसका मतलब है कि अंदर में 3 होगा, उसका बाहर में 1 वैल्यू निकलेगा, तो 3 × 3 है तो 1 × 3 बाहर निकल जाएगा। आ 1 को तो छोड़िए ना, 1 का वर्गमूल घनमूल सनमूल सब 1 के होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3, मतलब इतना का ज्यामितीय माध्य 3 हो जाएगा, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन आपको देते हैं, और एक क्वेश्चन भैया आपको हम होमवर्क के रूप में देंगे, जरा बना के अब कमेंट कर दीजिएगा, तब तो हमको पता चलेगा कि इस वीडियो का लाभ आपको मिला है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, 3 12 48 का ज्यामितीय माध्य, ज्यामितीय माध्य
क्या होगा, ध्यान दीजिए, रूट के अंदर में रख दीजिएगा इस सबको गुना करके, और तीन को संख्या एक दो तीन, तो इसमें तीन लिख दीजिए। अब इसको तोड़ मरोड़ के इसमें डाल दीजिए, तीन को तो हम तीन लिखेंगे, बारह को लिख सकते हैं तीन दूनी छः दूनी बारह, देखिए बारह हो गया इसमें। अड़तालीस को क्या लिख सकते हैं, दो दूना चार दूना आठ दूना सोलह, अतियाई अड़तालीस, समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं। यहाँ तीन को है तो तीन को में से एक को बाहर निकले निकालिए, एक गो दो गो तीन गो, तीन गो तीन है ना, तो एक गो तीन बहरी में आ जाएगा गुना में। देखिए दो गो दो यहाँ है, दो गो चार गो, दो गो छः गो, छः गो, हाँ तो छः गो में से दो गो बाहर आएगा, छः गो में से दो गो बाहर आएगा, तो तीन दूना छः दूना बारह, आपका आंसर हो जाएगा बारह, यानी कि तीन बारह अड़तालीस का ज्यामितीय माध्य बारह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और जब समझ में आ रहा है तो आपको पते होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, मतलब कि लाइक कर दीजिए वीडियो को, अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा, एक दो नौ बारह का ज्यामितीय माध्य, ज्यामितीय माध्य बराबर क्या होगा, तो ध्यान दीजिए रूट के अंदर में ही लिखना है, तीन को संख्या है तो इसमें तीन डाल दीजिए पहले से, और इसको तोड़ मरोड़ के यहाँ लिखिए, तो दो नौ को क्या लिख सकते हैं तीन गुना तीन, बारह को क्या लिख सकते हैं तीन दूना छः दूना बारह, तीन को में से तीन को है यहाँ, तीन को में से एक बाहर आएगा, तो एक गो दो गो तीन है तो एक गो तीन बाहर आ जाएगा, एक दो तीन गो दो है तो एक गो दो बाहर चलाएगा, एंड तीन दूना छः आपका आंसर हो जाएगा, दो नौ बारह का ज्यामितीय माध्य छः हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे तोड़ने नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, ऐसे तोड़ लीजिएगा बारह को, दो से छः दो से तीन, तो यही दो दो तीन लिखे, दो दो तीन लिखे। ठीक है तो चलिए आपको हम एक होमवर्क के रूप में आपको एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन बनाकर और कमेंट जो है जरूर कीजिएगा, आपका कमेंट के हम इंतजार करेंगे। चलिए एच डब्लू, एच डब्लू मतलब होमवर्क। ठीक है होमवर्क में आपको देते हैं तीन छः चौबीस अड़तालीस का ज्यामितीय माध्य, ज्यामितीय माध्य क्या होगा, और हम अपना सिग्नेचर कर देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, आज तारीख कितना हो गया, आज तारीख हो गया नौ। ठीक है लेकिन वीडियो आपको कल ही मिलेगा। ठीक है एक और 2022 या 22 में मिला। ठीक है तो इसका आपको आंसर ज़रूर देना है, आंसर के लिए हमें यहाँ बॉक्स बना दे रहे हैं, इस बॉक्स में आप आंसर को डाल दीजिएगा। ठीक है तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है और समझ में आया है मेरे पढ़ाने का तरीका, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में सेट के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।